सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा शहीद आजम सरदार भगत सिंह वालों लगाया गया सी। ये जड़ा है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगाया सी। अज जड़े है 12 स्टेटा के जड़े विद्यार्थी आए हैं उन्होंने वालों नारे लगाए जा रहे हैं। और तुम देख सकते हो फिरोजपुर के हुसैनी वाला शहीद स्थल से जिते शहीद भगत सिंह राजगुरु सगरेज का शहीद स्थल है, इतों जी है ये विद्यार्थियों वालों जी है साइकिल रैली निकाली जा रही है, बाइक रैली निकाली जा रही है। ये बाइक रैली जी है दिल्ली तक जाएगी। जेडे मोदी सरकार के काले कानून ने उन्होंने विरोध के रैली निकाली जा रही है। 12 स्टेटा के जेडे स्टार ने भगत सिंह के जेडे नारे लगाए जा रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम बात भी करेंगे इनसे कि आज जो आपकी यहाँ से रैली निकाले, कहाँ से रैली निकाली जा रही है? ये हुसैनी वाला से जो है यहाँ ऑल इंडिया DSO के ओर से एक छात्र रैली निकाली जा रही है। ये रैली जो किसान आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, ऐतिहासिक आंदोलन, जो काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है कृषि कानून, उनके खिलाफ जो हमारे देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं उनके इस आंदोलन के समर्थन में और इन कानूनों के खिलाफ ये छात्र रैली, जिसमें पूरे देश भर के छात्र अलग अलग राज्यों से आए हैं, ये रैली हम ले जा रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से होते हुए सिंगू और टिकरी बॉर्डर तक जाएगी। अभी आपने एक भगत सिंह के ऊपर बहुत अच्छा गीत गाया है, वो आप दो शब्दों में सुना सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग क्योंकि यहाँ हुसैनी वाला में जो भगत सिंह की समाधि है यहाँ खड़े हैं, तो हम यही बताना चाहते हैं कि हम जो छात्र हैं AIDSO के छात्र, हम लोग आज भी भगत सिंह के विचारों को मानते हैं और उनके विचारों की ताकत है जो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस आंदोलन को, ये आंदोलन को उनके विचार दिशा भी दे रहे हैं। तो उनका ये गीत हम लोग आपके सामने गा रहे हैं। ए भगत सिंह तू जिंदा है, ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भगत सिंह के जो गीत बहुत अच्छे गाए थे। हम बात की जाए कि आपके मन में कैसे विचार आया कि जो खेती कानून को लेकर आप आज दिल्ली बाइक रैली पर निकल रहे हैं? किसानों का जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उन किसानों ने पूरे देश भर के सामने एक मिसाल पेश की किस तरीके से एक आंदोलन होता है। वहाँ पर 8 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक हर कोई उस आंदोलन में शामिल है। और ऐसे एक समय पर जब देश के छात्र नौजवानों को आंदोलन में शामिल होना चाहिए, अपनी ड्यूटी को समझते हुए हम लोग इस आंदोलन में पहले दिन से ही शामिल हैं और भगत सिंह के विचारों को गांव शहर में लेकर जाए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस तरीके का एक कार्यक्रम लिया है कि हम लोग बाइक रैली करते हुए गांव के बीच में से, शहर के बीच में से निकलेंगे और लोगों के बीच में भगत सिंह के विचारों को लेकर जाएंगे। और ये देश में जिस तरीके से अभी काले कानून लगातार आ रहे हैं और सभी नीतियाँ जो हैं कॉरपोरेट्स के लिए नीतियाँ बन रही हैं, तो इस चीज़ को लोगों के बीच में लेकर जाने के विचार के साथ, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने बाइक रैली का ये प्रोग्राम लिया है। जो बाइक रैली की बात की जाए, कहाँ से ये बाइक रैली निकाली जा रही है और कहाँ तक जाएगी? ये बाइक रैली हुसैनी वाला आज यहाँ से शुरू हुई है और ये सिंगू बॉर्डर तक 19 तारीख को पहुँचेगी। हम लोग पूरे प्रदेश भर से, देश अलग अलग देश के प्रदेशों से, हम लोग अलग अलग भारत देश के अलग अलग
अलग-अलग प्रदेशों से हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये एक जज्बा लेकर आए हैं कि जो किसान जिस मांग को लेकर लड़ रहे हैं वो जायज़ है और जो काले कानून सरकार लेकर आई है उन्हें रद्द होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज भगत सिंह के विचारों को लेकर ये एक छात्र नौजवान यहाँ से इकट्ठा हुए हैं और इस रैली को लेते हुए अलग अलग गाँव से होते हुए पंजाब हरियाणा के अलग अलग गाँव से होते हुए हम लोग सिंघू बॉर्डर तक जाएंगे। बिल्कुल, ये थे जो अलग अलग जो स्टेटों से छात्र आए हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ से जो हम शहीद भगत सिंह जी के नमस्तक होकर वहाँ पे हम निकलेंगे और ये जो रैली शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के शहीदी स्थल से होते हुए जो है कि सिंघू बॉर्डर पे पहुँचेगी ताकि जो किसान जो है लंबे अरसे समय से जो वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर और केंद्र सरकार के काले कानून को रद्द करा कर वहाँ से मुड़ेंगे, यही इनका जो विचार है भगत सिंह की सोच पर पैरा देने के लिए आज यहाँ से ये रैली निकाली जा रही। फिरोजपुर से कैना प्रसाद जी, जगदीश कुमार दी, फैक्ट न्यूज़। हक दे सच दी खबर ले लाइक दे सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।